ओम शांति। संगम युग पर हम सभी ब्रह्मावत्सों को जो कुछ मिला है वो चारों युगों में अन्य किसी को नहीं मिलता। चाहे सतयुग के देवी देवता हों, विश्व महाराजन हों, या द्वापर युग के अन्य कोई सम्राट, हम सबको इन सब से कहीं ज़्यादा प्राप्तियां हुई हैं। अगर हम अपनी प्राप्तियों को याद रखें तो सारा दिन खुशियों में झूमते रहेंगे, मन अंदर से गाता रहेगा, वाह मेरे जैसा कोई नहीं, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। सोचो, अपनी प्राप्तियों पर एक नजर डालो और अपने पास्ट को एक बार निहारो। कितना सुंदर था वो दिन जब तुम प्रभु के द्वार पर आए थे, जब उसका सत्य ज्ञान तुम्हें मिला था, जब उससे तुम्हारा मिलन हुआ था। कितना खुशियों से भर गया था ये जीवन, मन आनंद में झूम उठा था, वाह जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई, जन्म जन्म की भक्ति का फल मिला, और फिर दौड़ प्रारंभ हुआ अनेक प्राप्तियों का। सत्य ज्ञान ने हमारे जन्म जन्म की गुत्थियां सुलझा दी, हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल गए, शांति का मार्ग मिल गया, प्रेम आ गया, एक विशेष तरह की दिव्य अनुभूति जीवन में प्रारंभ हो गई। रोज योग अभ्यास होने लगा, प्रभु मिलन होने लगा, उससे वरदान और शक्तियां मिलने लगी, एक सुंदर परिवार मिला, जो देव कुल की आत्माएं थी वो इकट्ठी होने लगी, और एक निश्चल निर्मल प्रेम का आदान प्रदान हुआ। कितनी प्राप्तियां हुई हैं हम सबको। खोया हुआ स्वराज हमारे द्वार पर आने लगा, हमें एक लक्ष्य मिल गया, तुमने अपना जो स्वराज खोया था वो अब पाने का समय आ गया है। भगवान की गाइडेंस में हम चलने लगे। ये तो हुई यहाँ की प्राप्ति, लेकिन वो प्राप्तियां तो और भी सुंदर रही हरेक की, जो हरेक को योग युक्त होने पर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। किसी को कैसा अनुभव, किसी को कैसा अनुभव, किसी को बाबा के भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार, किसी को दुखों से मुक्ति, किसी को समस्याओं का समाधान मिला, किसी के सामने बाबा आकर खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ चिंता न करो, किसी की उसने सारी चिंताएं और बोझ हर ली। तो जरा गंभीर होकर संगम युग की प्राप्तियों पर एक नजर डालें, प्राप्ति स्मृति स्वरूप हो जाएं। तो जब प्राप्तियां बहुत होती हैं तो मन खुशियों में झूमता रहता है। साथ ही साथ हम याद रखें, जहां निश्चय है वहीं विजय है। निश्चय मनुष्य को निश्चिंत भी करती है और निश्चय मनुष्य को विजय भी दिलाती है। हर चीज में निश्चय, आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के रिजल्ट में आपका निश्चय होना चाहिए, स्वयं में निश्चय होना चाहिए, हम ये कार्य करेंगे ही, हमें इसमें सफलता मिलेगी ही, भगवान हमारा साथी है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसमें बहुत ज़्यादा निश्चय की ज़रूरत होती है। आप कारोबार में भी हैं, उसमें भी निश्चय हो, इतना हमें मिलेगा ही, हमारा कारोबार ऐसा सुंदर चलेगा ही, सफलता हमें प्राप्त होगी ही, ऐसा निश्चय हमारी विजय को बिल्कुल सरल कर देता है। निश्चय के वाइब्रेशन से हमें विजय की ओर ले चलते हैं, चाहे विजय माया पर हो, क्रोध पर हो, काम पर हो, हमारी विजय निश्चित है, मैं विजय रतन हूँ। ऐसी आज सारा दिन स्मृति रखेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, अनेक बार मैंने इस माया को जीता है, इन विघ्न समस्याओं को पार किया, हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार, अब भी मुझे ही पार कर लेना है, ये तो जस निमित्त हाथ बढ़ाना है, कदम बढ़ाने हैं, मेरी विजय तो होनी निश्चित ही है। और अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ,
कमल आसन पर विराजमान हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। बस सारा दिन खाते पीते नहाते धोते कर्म करते फरिश्ते स्वरूप की स्मृति प्रैक्टिस और मैं विजय रतन हूँ ये स्वमान याद करेंगे। ओम शांति।